हम इसको ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों में लेंगे और एकदम सीक्वेंशियली इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सीक्वेंशियली क्वेश्चन बनते हैं जो हम करने जा रहे हैं। हमने क्या देखा कि जब भी कोई मूविंग रॉड किसी फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सो व्हेनेवर ए कंडक्टिंग रॉड और बॉडी मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्रिएटेड इनसाइड इट। ठीक, तो जब भी कोई आप रॉड को मूव करेंगे किसी फील्ड में, एक ईएमएफ उसमें इंड्यूस होता है। हमने लास्ट क्लास के बारे में बात किया था, हम लोगों ने फाइंड किया था कि जो ईएमएफ होता है वो द इंटेग्रल ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डीएल। यहां हर डीएल, यहां उस रॉड का हर एलिमेंट डीएल एक बैटरी बन जाता है, उस रॉड का, चाहे वो स्ट्रेट रॉड हो या कर्व रॉड हो, उसका हर एलिमेंट, हर टुकड़ा डीएल एक बैटरी बनता है। हर ईएमएफ का ये वैल्यू होता है। उस पॉइंट पे अगर कोई रॉड किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है, अगर ये मटेरियल किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है समझो, और ये अगर मूव कर रहा है, तो यहां तो अगर तुम एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, यहां छोटा सा टुकड़ा लोगे डीएल, यहां छोटा सा टुकड़ा लोगे डीएल, एक ये वेक्टर हुआ, एक इस रॉड का वेलोसिटी वेक्टर हुआ, एक इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर हुआ, और एक इस पॉइंट पर बी वेक्टर हुआ। हो सकता है कि अलग अलग डीएल पे, हो सकता है कि अलग अलग डीएल पे, हो सकता है कि डिफरेंट डीएल पे बी और वी अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। बट जो भी है, ये एक सेल बनेगा, ये जो सेल बनेगा, ये छोटा सा टुकड़ा एक बैटरी बनेगा, वो बैटरी क्या होगा, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। उसी तरह से ये बनेगा, यहां हो सकता है बी की मैग्नेट्यूड डायरेक्शन अलग हो, वेलोसिटी की मैग्नेट्यूड डायरेक्शन जो है कुछ और हो, तो यहां पे अलग बैटरी बनेगा। बट सारे बैटरी सीरीज में है, सारे बैटरी सीरीज में है, एक बैटरी मान लो इस तरह बना, दूसरा बैटरी मान लो यहां पर इस तरह बना, तो सारे बैटरी सीरीज में है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है, इसका समेशन हो जाता है। स्पेशल केस हम देख चुके हैं, स्पेशल केस है ये है कि इफ वी एंड बी आर कॉन्स्टेंट, अगर हर एलिमेंट की वेलोसिटी वेक्टर सेम हो, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हर एलिमेंट की वेलोसिटी वेक्टर सेम हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हर एलिमेंट पे, अगर हर पॉइंट पे, पूरे रॉड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम हो, तो उस केस में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इफ वी एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट, देन ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट PQ, PQ इज द लाइन जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, हमने इसको लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई रॉड इस तरह मूव कर रहा हो तो इस यहां पे इसकी वैल्यू होती है V, B, L, जहां V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टेक द लेंथ परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ, टेक V परपेंडिकुलर टू B एंड L बोथ, and take B perpendicular to V and B and L both, तीनों mutually perpendicular, all mutually perpendicular। ठीक है, तो हम पहला केस ले रहे हैं। देखो, अगर सिर्फ एक रॉड मूव कर रहा है, तो उसमें सिर्फ एक वो एक बैटरी बन जाएगा, एक मूविंग रॉड इक्वल टू बैटरी। अगर इसमें लूप भी कंप्लीट कर देंगे, तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के लिए लूप जरूरी है। अगर ओपन है, अगर लूप क्लोज नहीं है, कंडक्टर अगर पूरी तरह बंद नहीं है, तो उसमें सिर्फ ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन अगर वो बंद है तो उसमें करंट भी फ्लो करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी पहले ईएमएफ निकाल रहे हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर लूप कंप्लीट नहीं है, आपसे करंट नहीं पूछ सकता है, आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ ईएमएफ पूछेगा। अगर लूप कंप्लीट नहीं है तो आपसे सिर्फ ईएमएफ पूछेगा। अगर लूप कंप्लीट है
तो ईएमएफ भी पूछ सकता है और करंट भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है ठीक। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं कैसे है। देखिए, सो केसेस ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इन एन ओपन सर्किट और यू कैन से रॉड। हम ये जानते हैं कि मान लो ये एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर इसकी लेंथ एल है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यानी हर एक यहां जो यहां अगर लेंथ लेंगे डीएल, यहां डीएल, यहां डीएल, कहीं भी डीएल ले लो सबका ईएमएफ सेम आएगा, कहीं भी डीएल ले लो उसका ईएमएफ सेम आएगा, क्योंकि इसका अगर यहां एक लेंथ कट करेंगे छोटा सा डीएल तो उसका ईएमएफ होगा वी बी डीएल, इसका होगा वी बी डीएल, वी बी डीएल, सब सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इस केस में एक बैटरी बन जाएगा, कैसा बैटरी बन जाएगा, ये केस में इस तरह से बैटरी बन जाएगा, दिस वुड बिहेव लाइक ए बैटरी, दिस रॉड, दिस मूविंग रॉड वुड बिहेव लाइक ए बैटरी हुज ईएमएफ इज वी बी एल, और अगर इस रॉड का कोई रेसिस्टेंस है दैट वुड बी कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस वी बी एल, ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। दूसरा, अगर ये रॉड इस तरह से मूव कर रहा होता, अगर ये रॉड इस तरह से मूव कर रहा होता, देखो ऐसे करके ये ट्रांसलेट कर रहा होता वेलोसिटी वी, या मतलब कि ये रॉड ऐसे चल रहा होता, लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा होता बल्कि लेंथ के साथ एंगल थीटा पे चल रहा होता, और यहां पर वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, बी होता, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, बी होता। तो इस केस में देखो बी और एल तो परपेंडिकुलर है ही, एल इस तरह है और बी इनसाइड है, V का दो कंपोनेंट होगा, हमको वो कंपोनेंट लेना है जो L के परपेंडिकुलर है, तो वो आएगा V sin थीटा, वो कितना आएगा V sin थीटा, तो यहां पे ये कंपोनेंट मैटर करेगा, ये मैटर नहीं करेगा, जो कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल है वो मैटर नहीं करेगा। इन दिस केस यू वुड गेट दिस इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर है तो है, नहीं है तो इसको तुम बैटरी मान सकते हो जिसका ईएमएफ होगा वी बी एल साइन थीटा, जिसका ईएमएफ होगा वी बी एल साइन थीटा। तीसरा, मान लो ये रॉड नहीं है, ये पूरा डिस्क है, ये एक रॉड नहीं है, ये एक फुल मेटलिक डिस्क है और इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर ये एक डिस्क है और ये एक फुल मेटलिक डिस्क है, ये क्या है, मेटल डिस्क है जो इस प्लेन में रखा हुआ है, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसको हम वी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, इसको हम वी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, हम इस डिस्क को जो है वी वेलोसिटी से ऐसे खींच रहे हैं, इधर इसको एक वेलोसिटी दे दी है, ये ट्रांसलेट कर रहा है ये डिस्क जो है इसको हम वी वेलोसिटी से खींच रहे हैं। तो समझो अगर इसकी रेडियस है आर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कौन कौन सा पॉइंट, समझो ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, यह है पॉइंट पी, यह है पॉइंट क्यू, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट बी, और एक और ले लो कोई, कौन सा लोगे, ये ले लो, यहां एक ऐसे ले लो सी और डी, ईएमएफ अक्रॉस ए बी जीरो होगा, ईएमएफ अक्रॉस जे बी, क्योंकि जब तुम ए से बी एक कंडक्टिंग पाथ बनाओगे, ये रॉड इस तरह से बनेगा, ए से बी तक का रॉड कैसा है, ए से बी तक एक कंडक्टिंग पाथ ले लो, रॉड ले लो, तो ये रॉड जो है ए बी, ये इस वेलोसिटी के पैरेलल है, ये रॉड जो है ए बी इस वेलोसिटी के पैरेलल है, जैसे ही तीनों में से वी बी और एल में से कोई भी दो पैरेलल होगा वो वैनिश कर जाएगा। तुम जानते हो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो एक डिटरमिनेंट बनता है, उसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो या प्रोपोर्शनल हो वो वैनिश हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये जो होगा जीरो आएगा, ए और बी के क्रॉस ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, पी और क्यू के बीच मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा,
पी और क्यू के बीच में मैक्सिमम ईएमएफ, क्योंकि पी और क्यू का मतलब हो गया रॉड ऐसा, कैसा, जैसा ये था, पी और क्यू का मतलब हो गया ऐसा। तो अगर तुम ईएमएफ निकालोगे पी और क्यू के बीच में, और तुम ईएमएफ निकालोगे पी और क्यू के बीच में, तो वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू वी बी। एल की जगह क्या लोगे, टू आर। एल की जगह क्या लोगे, टू आर लोगे ना, लेंथ हो जाएगा टू आर। क्यों हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। V इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में, और L इस तरह से। और तुम ये लो, ले रहे हो 45 डिग्री पे, और तुम C और D के बीच में ले रहे हो, ये है तुम्हारा रॉड। और तुम EMF अक्रॉस CD लोगे, वो आएगा V B। इसका कंपोनेंट, ये जो 2R है, इसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो आपको ये लेंथ नहीं लेना है, इस लेंथ से कोई मतलब नहीं है, जो इस सीडी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये मैटर नहीं करता, ऊपर वाला मैटर करेगा। ये हो जाएगा 2R साइन 45 डिग्री, सही है? Yes, sir. ठीक, ये था ट्रांसलेशनल मोशन, ये था जो बॉडी ट्रांसलेट कर रहा था। अब हम बॉडी को रोटेट कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को रोटेट कराएंगे और फिर दोनों कराएंगे, ठीक। तो ट्रांसलेशनल में ये होता है, समझ लो, ट्रांसलेशनल में ये होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब रोटेशन में देखते हैं क्या होगा, हम क्या देखते हैं रोटेशन में क्या होगा। अगर एक बॉडी रोटेट कर रही हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला। उसको अगर बैटरी में कन्वर्ट करना है, एक रोटेटिंग रॉड को अगर हम बैटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक रोटेटिंग रॉड को बैटरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका ईएमएफ कैसे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं समझते हैं। मान लो मेरे पास रोटेटिंग रॉड है, कैसा भी हो सकता है, ये मान लो एक रॉड है, ये मान लो एक रॉड है, ठीक, और ये रॉड जो है ये रोटेट कर रहा है, इसकी लेंथ है L, और इसकी ये फिक्स है, और इसके अबाउट, इस एंड के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे स्पेस में इनवर्ड है, और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। सेंटर का नाम दे दो O और इसका नाम दे दो P। तुम्हें इन दोनों में पहले ये निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा। तो यहां पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, यहां हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। तुम यहां से अगर डिस्टेंस, और तुम यहां से डिस्टेंस x पे जाओ और dx पे जाओ, और तुम यहां से डिस्टेंस x पे जाओ और dx पे जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, यहां से डिस्टेंस x हो, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा dx लेंथ का, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी, x है। तुम अगर x और dx के बीच में एक छोटा सा रॉड कट कर लो, तो इस ये रॉड ऐसे घूम रहा है, ये रॉड इस तरह से घूम रहा है, किस पाथ पे घूम रहा है, ये रॉड इस तरह से घूम रहा है, किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, है ना, ये रॉड इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। देखो किसी पॉइंट, कोई पॉइंट जो एक्सिस से डिस्टेंस एक्स पर है, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, इसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि स्पीड होती है ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियली। तो इसकी स्पीड इस रॉड के परपेंडिकुलर कितनी होगी, इस रॉड के परपेंडिकुलर कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स। तो इसकी स्पीड है ओमेगा इंटू एक्स, इसकी लेंथ कितनी है dx, और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है b। तो ये छोटा सा रॉड है, समझो ये एक छोटा सा रॉड है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, जिसकी लेंथ है dx, जिसकी वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है b। तो ये बताओ अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा है, पहली बात तो इसका ईएमएफ क्या होगा, इसका ईएमएफ होगा डीई इज इक्वल टू, इसका ईएमएफ होगा डीई इज इक्वल टू क्या था, वीबीएल, ये था वीबीएल, वी वी हो गया ओमेगा एक्स, वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू एक्स, वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू एक्स, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया बी, और लेंथ हो गया डीएक्स।
और क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो यस है, क्यों है? ये लेंथ इस तरह से है, ये लेंथ इस डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और b इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा emf, ये हो जाएगा तुम्हारा emf। अब emf में हम ये जानना चाहते हैं पॉजिटिव प्लेट p के तरफ होगा कि o के तरफ, पॉजिटिव प्लेट p के तरफ होगा o के तरफ। तो मान लेते हैं यहां एक चार्ज था q, मान लेते हैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बैठा था q, और वो q चार्ज इधर जा रहा था, उस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ? q v क्रॉस b, q v क्रॉस b इनवर्ट, देखो q इंटू वेलोसिटी क्रॉस b, वेलोसिटी क्रॉस b मतलब इनवर्ट, तो प्लस यहां पे होगा माइनस यहां पे होगा, पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगा था इनवर्ट, यानी कि तुम्हारा ये रॉड इस तरह से बिहेव करेगा समझो, और तुम इस रॉड को देखो और ये x और dx पे देखो, x और dx के बीच, तो तुमको यहां एक छोटा सा बैटरी मिला था, ये बैटरी का पोलैरिटी देखो, ये है d, v क्रॉस b देखो, v इधर चार्ज मान लो यहां बैठा हो, q v क्रॉस b इनवर्ट, तो यहां पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा ये, अगर तुम यही dx यहां कट करोगे सेम dx, और तुम सेम dx लेंथ यहां कट करोगे, जो dx लेंथ यहां कट किया वही dx यहां कट करो, यानी dx सेम है, dx सेम है, b भी सेम है, बट ओमेगा x ज्यादा है, यानी यहां पे जो बनेगा बैटरी वो थोड़ा ज्यादा ईएमएफ का होगा, जितना दूर जाओगे उतना तुमको ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, और जितना पास जाओगे तुमको उतना ईएमएफ कम मिलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि डीएक्स भले सेम है, लेंथ तुम इक्वल ले रहे हो, इक्वल लेंथ में इक्वल ईएमएफ नहीं है, इक्वल लेंथ है, लेकिन स्पीड जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा स्पीड होगा, उसमें उतना ज्यादा ईएमएफ होता है। ये सारे बैटरी सीरीज में है, ऐसे ऐसे जितने भी बैटरी बन रहे हो ना, डी 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 सब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है ईएमएफ कैसे निकालते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आएगा ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक करोगे इंटीग्रेट, एक्स को ले जाओगे जीरो से लेकर के एल तक, क्यों जीरो से लेकर एल तक, क्योंकि जो पॉइंट ओ है वहां एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, रेडियस कितनी है, ये पॉइंट ओ जो है ये एंड वो किस सर्कल पे घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस है जीरो, और इसका लेंथ कितना है एल, जीरो से एल, तो ये आ जाएगा देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, वहां क्या निकलता था VBL, वहां क्या निकलता था VBL, यहां देखो क्या हो रहा है, B की जगह B ही है, L की जगह L ही है, बट V की जगह ओमेगा R बाय टू है, ओमेगा R बाय टू है, डायमेंशनली सेम आना चाहिए, वहां पे क्या निकलता था स्ट्रेट रॉड में, जब स्ट्रेट रॉड चलता था VBL, तो V की जगह B की जगह B है, L की जगह L है, बट वेलोसिटी की जगह जो वेलोसिटी लेते थे तो वहां वेलोसिटी फिक्स होती थी, रॉड के केस में हर पॉइंट की वेलोसिटी वी होती थी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, यहां यहां पे जीरो है, यहां पे ओमेगा एल है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है जीरो, और यहां मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी है ओमेगा इंटू एल, यहां से यहां तक वेलोसिटी वेरी कर रहा है, यहां वेलोसिटी था जीरो और यहां वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एल, हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं ओमेगा इंटू एल बाय टू, जो भी है ये तुम्हारा आएगा ईएमएफ। इसमें तुम समझ सकते हो कि ओ इज एट हायर पोलैरिटी देन, यानी कि तुम्हारा ये पूरा रोटेटिंग रॉड क्या बन जाएगा, दिस रोटेटिंग रॉड वुड कन्वर्ट इनटू ए दिस काइंड ऑफ थिंग, ये जो रोटेटिंग रॉड है तुम्हारा, ये तुम्हारा रोटेटिंग रॉड है, दिस बिकम्स ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, दिस बिकम्स ए बैटरी ऑफ ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू एंड रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एग्रीड, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, एंड अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस है दिस बिकम्स ए बैटरी, इसको बैटरी बना सकते हैं। पोलैरिटी वस्तु को ये देखना है, जब भी पोलैरिटी देखना होगा तो अगर क्यू वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस साइड वो बन जाएगा टर्मिनल, ठीक, कोई डाउट? नो सर, नो सर।
अगर ये रॉड ऐसा ना होता, अगर ये रॉड इस एंड के अबाउट ना घूम रहा होता, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा होता, तो क्या होता, तो क्या होता? ठीक। तो इसमें दो बातें और समझ लो, पहले यही डायग्राम में बता देता है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये x इक्वल टू जीरो पर है, ये x इक्वल टू एल पर है, इसका एक मिड पॉइंट है, उसका नाम q मान लो। q जो है वो मिड पॉइंट, यानी डिस्टेंस कितनी है, l बाय टू है। ठीक है, हमारे पास इस मूविंग रॉड में हम इस तरह से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से ले रहे हैं, ये एक पॉइंट है जिसका आप जहां पे x इक्वल टू जीरो है, ये दूसरा पॉइंट है जहां रेडियस की वैल्यू कितना है, l बाय टू है, और ये एक पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू कितनी है, l है, x मतलब रेडियस, इसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ठीक। अगर हम जानना चाहते हैं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, अगर तुम जानना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड क्यू, तो लिखोगे मतलब ईएमएफ बिटवीन ओ एंड क्यू। अगर तुम ईएमएफ बिटवीन ओ एंड क्यू लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, ये है ओ एंड क्यू, ओ एंड पी, ये क्या है, ईएमएफ बिटवीन ओ एंड पी, ओ से पी तक, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए, जीरो से एल तक, ओ से पी तक यानी जीरो से एल तक। अगर हम ईएमएफ निकालना चाहते ओ से क्यू तक, तो लिखते बी ओमेगा बाय टू इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम O से Q तक निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करते, जीरो से L बाय टू तक, तो L की जगह क्या डाल देंगे, L बाय टू तक। अगर हम EMF निकालना चाहते हैं Q और P के बीच में, हम EMF निकालना चाहते हैं Q और P के बीच में, हम EMF निकालना चाहते हैं Q और P के बीच में, तो क्या करेंगे, या तो ओ पी में से ओ क्यू को घटा दो, और नहीं तो यहां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दो, क्योंकि तुमने यहां पर क्या लिया था, OP लिया था, तो तुमने O से P तक लिया था, तो 0 से L तक लिया था, अब तुम Q से P तक ले रहे हो, तो इसको क्या करोगे, इस इंटीग्रल्स को, ये था B ओमेगा और X dx, इस इंटीग्रल को तुम L बाय 2 से L तक ले जाओगे, अगर Q और P के बीच में पूछा है तो B ओमेगा, और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दोगे, तुमको जिन दो पॉइंट के बीच में EMF निकालना है उन दोनों पॉइंट के बीच में रेडियल डिस्टेंस जो उसका है x, उसको इंटीग्रेट करोगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, या तुम ये चाहो तो इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है किसके लिए, सेंटर और किसी पॉइंट के बीच का, जहां पे सेंटर है एक्सिस, जहां पे रेडियस जीरो है, वहां से किसी रेडियस का है, उसको सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो तुम्हारा यहां पर आएगा ई क्यू पी इक्वल टू बी ओमेगा बाय टू एल स्क्वायर माइनस एल बाय टू स्क्वायर, यही आंसर तुम्हारा आता इस केस में, अगर तुम इन दोनों को माइनस कर देते तो। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब देखो अगर रॉड इस तरह से, किस तरह से, अगर रॉड इस तरह से है ये इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, कुछ होगा, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट ओ, और ये इसके बाद ऐसे घूम रहा है। अगर ये इस तरह से घूम रहा है और मान लेते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है डॉट के फॉर्म में है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट के फॉर्म में है, तो ये बताओ ओ और पी में कौन ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। यहां अगर कोई चार्ज है क्यू, इस चार्ज क्यू पे फोर्स किधर लेगा, बाहर की अंदर, देखो इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी होगी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो क्यू वी क्रॉस बी, तो बाहर तक ले गया तो प्लस यहां पे जाएगा, समझ रहे हो ना, यहां अगर कोई चार्ज क्यू लोगे तो क्या होगा,
यहां किसी चार्ज क्यू को लोगे तो क्या होगा, जब तुम इसको मूव करोगे तो क्यू वी, ये हो गया वी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगा, तो वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस बी, बी तुम्हारी तरफ है तो बाहर तरफ होगा, प्लस चार्ज यहां आएगा। इसके लिए बताओ, यहां एक छोटा सा टुकड़ा लो, क्यू के साइड होगा, क्यों यहां हो गया वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, सो वी देखो वी इधर, बी तुम्हारी तरफ, वी क्रॉस बी इधर होगा, प्लस यहां आएगा। इनफैक्ट ये एक अलग बैटरी है, एक अलग बैटरी बनेगा, वो अलग चीज है। तुम ये लिख सकते हो, इसको बोल रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो या रेडियस इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोल रहे हो, रेडियस इक्वल टू जीरो। तुम चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, ये जीरो है और ये रेडियस है आर इक्वल टू आर, और ये रेडियस है आर इक्वल टू माइनस आर, यही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख सकते हो वी एट रेडियस आर या ई एम एफ बिटवीन आर एंड जीरो इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्विपोटेंशियल है, समझो। हम लिख सकते हैं ईपी जीरो, पी और जीरो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पी और ओ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ओमेगा, अगर ये डिस्टेंस है एल बाय टू, एल बाय टू का होल स्क्वायर बाय टू, पी इज मोर पोटेंशियल एज कंपेयर टू ओ, P is at more potential as compared to O by amount B omega by 2 into initial final radius square, final distance square minus initial distance square. E of QO, Q का potential O से ज्यादा होगा, किस amount से, B omega by 2 L by 2 या minus L by 2 whole square, फर्क नहीं पड़ता है। इसके comparison में ये इतना पोटेंशियल ज्यादा सेंटर के, जहां पे रेडियस जीरो है, जहां रेडियस जीरो है वहां के कंपैरिजन, जहां रेडियस जीरो है वहां के कंपैरिजन में, जहां रेडियस आर है उसकी पोटेंशियल होती है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। तो अगर तुम इन दोनों को के बीच में निकालना चाहते हो, पी और क्यू के बीच में, तो क्या करोगे, बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में लिखोगे बी ओमेगा बाय टू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर एल बाय टू स्क्वायर, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर एल बाय टू का स्क्वायर, जीरो आएगा, जीरो आएगा। यानी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल होते हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सबका पोटेंशियल सेम आएगा। इसीलिए अगर हम आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चन कि हम अगर एक बैटरी, हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे बाद में इन दोनों के बीच में, किसके, पी और क्यू के बीच में, और हम बाद में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे पी और क्यू के बीच में, कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो। लेकिन अगर हम ओ और पी में करंट करेंगे तब करंट फ्लो करेगा पी से ओ, बाहर में कैसे, पी से ओ, क्योंकि ये बैटरी है, समझ रहे हो ना, अगर हम यहां पे कनेक्ट करेंगे तो समझना इस बात को, रॉड रोटेट कर रहा है तो दो फॉर्मूले में तुम कोई याद कर सकते हो, पहला हमेशा सेंटर के, सेंटर मतलब रॉड का सेंटर नहीं, सेंटर मतलब जहां पे एक्सिस है, जहां पे रेडियस जीरो है, उस पॉइंट से किसी एल डिस्टेंस के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। तो यहां से यहां का निकाल लो, यहां से यहां का निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों का निकल जाएगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू जो होता है वो होता है रेडियस जीरो से रेडियस एल के बीच का, या फिर क्या करो सिंपली एल वन से एल टू तक का निकाल लो, हो जाएगा बी ओमेगा बाय टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तुम निकाल ही लोगे, मैग्नीट्यूड तुम निकाल ही लोगे, कोई डाउट? नो सर। अगर ये रॉड ना होता, अगर ये डिस्क होता तो क्या करते, अगर ये कंडक्टिंग डिस्क होता तो क्या करते, अगर ये कंडक्टिंग डिस्क होता, अगर हमारे पास इस तरह दिया होता, ये कंडक्टिंग डिस्क है, ये कंडक्टिंग डिस्क है, और ये अपने इस सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ये अपने सेंटर अबाउट इस तरह से घूम रहा है, तो ये बताओ इसकी रेडियस है आर और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड यहां प्लेस है परपेंडिकुलर, ये काम करो डॉट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह से है,
और ये ऐसे घूम रहा है। सेंटर और पेरिफेरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेंटर और पेरिफेरी के बीच में ईएमएफ क्या होगा, कितना ईएमएफ जनरेट होगा? तो क्या लिखोगे? ईएमएफ जनरेटेड इन पीएनओ, ईएमएफ जनरेटेड इन पीएनओ कितना हो जाएगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू होगा ना। इसको यहां ज्वाइन कर दो, बी ओमेगा यह ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाय टू। पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, पी का या ओ का? पी का, पी का, पी का ज्यादा होगा। यानी ये जो रोटेटिंग डिस्क है ये एक किस्म का बैटरी इस तरह से बन जाएगा, ये रोटेटिंग डिस्क जो एक बैटरी बन जाएगा जिसमें ओ पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है, ठीक है, और इसका जो होगा ईएमएफ वो होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। ये रोटेटिंग डिस्क जो है, ये रोटेटिंग बैटरी जो है डिस्क एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब समझो इस बात को, अगर हम कहें पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा? जीरो। सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट सेम ईएमएफ पे होंगे, ये सारे सेम पे होंगे। अगर आप P और Q के बीच में निकालना चाहते हैं EMF तो जीरो आएगा, क्यों? P के लिए भी डिस्टेंस R है, Q के लिए भी डिस्टेंस R है, दोनों इक्विपोटेंशियल है, दोनों पे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, आएगा ना। पहले एस वर्मा निकालो, पेज नंबर 299, क्वेश्चन नंबर 11, पेज 299, क्वेश्चन 11 मैं बता चुका हूं। सबने निकाल लिया है? पेज 299 क्वेश्चन 11 में बता चुका हूं, क्वेश्चन 12 बता चुका हूं, क्वेश्चन 14 बता चुका हूं। तुमको सीधे क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन कर दो। एक वी शेप में रॉड है, एक वी शेप में रॉड दिया हुआ है ना, एक रॉड है जो वी शेप में है, देखो ऐसे बना हुआ है रॉड। तो तुमको क्या करना है उस वी शेप, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे बना हुआ है रॉड इस तरह से है, इस पूरे रॉड को क्या करेंगे, स्ट्रेट रॉड से रिप्लेस कर दो, आ जाएगा 14, ठीक। 16 देख लो, उसमें क्या है, देखो सबसे लेफ्ट में एक लूप चल रहा है, वो बैटरी बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 ये बन जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, है ना, ये सॉरी ये इस तरह से है ना, और ये जो बाहर में ये जो एक लूप है, ये जो लूप का पार्ट है जिसका कि लेफ्ट एंड, देखो यहां एक लूप दिया हुआ है, यहां एक लूप दिया हुआ कुछ इस टाइप से, इस लूप का ये पार्ट, इसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड, राइट में नहीं है, ये बैटरी बन जाएगा, ये बैटरी बन जाएगा, क्योंकि ये एक मूविंग रॉड है, यहां तो फील्ड नहीं है, ये जो रॉड है ये बन जाएगा बैटरी। राइट खींच रहे हो ना, राइट खींच रहे हो, तो वी बी क्रॉस आर, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी इधर क्रॉस बी इधर ऊपर, ये बन जाएगा बैटरी, कितना बन जाएगा वी बी एल बन जाएगा ना। यस सर, हो गया। अब तो ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, वी टू सोन ब्रिज लगा दो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये निकल जाएगा, बैटरी की जगह वीबीएल आ जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन 17 मैं करा चुका हूं, एक रॉड रोटेट कर रहा है, क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, करा चुका हूं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर, पॉजिटिव कहां होगा बताओ, ओ पे या फिर सेंटर पे या फिर एंड पे, पॉजिटिव कहां होगा बताओ,
कौन सा ज्यादा पोटेंशियल पे होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्वेश्चन नंबर 17 में? ठीक है, देख लेना, ये सब मैं करा चुका हूं, अभी मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव वन पेज 304, पेज 304, ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा? क्या होगा ऑब्जेक्टिव वन? ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर वन, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, क्या दिया हुआ है? एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और वो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और वो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, इसकी लेंथ, इसकी टोटल लेंथ L है और यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, तो पूछा है सेंटर और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ओ, सेंटर और एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। बी ओमेगा बाय टू, सेंटर का रेडियस कितना? जीरो। इसका डिस्टेंस कितना? एल बाय टू होगा ना, टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, सेंटर से इसकी लेंथ कितनी है? एल बाय टू है। क्वेश्चन नंबर टू, हाँ क्या होगा? जीरो, करेक्ट। इसी रॉड में पी और क्यू के बीच में ईएमएफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा ना। ठीक, ओके, इसको भी करेंगे, चलो अभी इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव वन, इधर वायर ए बी रिप्लेस्ड बाय सेमी सर्कुलर वायर, अगर ए बी की जगह सेमी सर्कुलर वायर होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? जब ये रॉड इस तरह से घूम रहा है तो इसकी ईएमएफ है ई, वीबीएल, इसकी ये जो वी स्पीड से चल रहा है ये रॉड इस तरह से ये हो रहा है, इसमें ईएमएफ बन रहा है वीबीएल। अगर हम इसकी जगह पे एक सेमी सर्कुलर वायर लेके तब इसको मूव कराएंगे तो ईएमएफ कितना होगा? सेम, सेम बता चुके हैं, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्यों? क्योंकि यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, तो सिर्फ दोनों को ज्वाइन कर दो, सेम रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 उसी में, ऑब्जेक्टिव वन में क्वेश्चन नंबर 12, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायग्राम दिया हुआ है, सब जगह है, इनफाइनाइट है, कोई उसका एंड नहीं है, हर जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें तुम एक लूप को खींच रहे हो, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर 12, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक लूप चल रहा है, इसका फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, सेम रहेगा ना? तो फिर तो करंट जीरो होगा। ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन नंबर 2, कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स
इज जीरो, सॉरी ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स, उसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो क्या होगा? V इज पैरेलल टू L, रॉन्ग. V इज पैरेलल टू B, रॉन्ग. L इज पैरेलल टू B, रॉन्ग. नन ऑफ दिस. एक भी चीज हो गया पैरेलल तो EMF नहीं जनरेट होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर थ्री. ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड. ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड. देखो ये कंडक्टिंग लूप है, ये एक कंडक्टिंग लूप है, किसी भी शेप का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है भी, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. कहता है इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा अगर इसको ऐसे चलाया जाए, होगा. इफ इट इज ट्रांसलेटेड, अगर इसको ट्रांसलेट कराया जाए तो क्या यहां ईएमएफ जनरेट होगा इस लूप में? नहीं सर, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? फ्लक्स नहीं बदल रहा है. दूसरा, इफ इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस इसका ये हुआ और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, होगा? होगा, होगा, नहीं होगा. इसको इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, इसको इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, ऐसे होगा? होगा. इसको डिफॉर्म कर दिया जाए, इसके शेप को बदल दिया जाए, इसके शेप को बदल दिया जाए, होगा? होगा. सीडी होगा, सीडी होगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर एट, उसी में क्वेश्चन नंबर एट बताओ. एक रॉड दिया हुआ है, कंडक्टिंग रॉड और एक मैग्नेटिक फील्ड वो चल रहा है, एक कंडक्टिंग रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, क्या क्या पूछा है? The rod becomes electrically charged. ये न्यूट्रल रॉड चार्ज हो जाएगा, सही या गलत? सही या गलत? गलत. The end A would become positively charged. Yes, sir. The end A becomes positively charged. ठीक है, हाँ, रॉड A भी है ना, this L cross B. हाँ, ए द एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट. द एंड बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, रॉन्ग. द रॉड बिकम्स हॉट बिकॉज जूल हीटिंग, जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो क्यों हीट प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होने के लिए जूल हीटिंग होता है, आई स्क्वायर आर, आई ही नहीं है ना, ये भी नहीं होगा. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन 32. क्वेश्चन 32 देखो, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बाद में हम तुमको बोलेंगे तुम एससी वर्मा बनाओ और फिर तुमको हम जो है वो डिस्कस करें, इसीलिए इस बार हम इस चैप्टर में क्वेश्चन साथ ही पूरा बता देते हैं, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है. कुछ क्वेश्चन होंगे खास क्वेश्चन, वो बनाने देंगे, बाकी आपको एससी वर्मा नहीं बनाना है, पैकेज में हम बना लेंगे, एससी वर्मा क्लास में ही साथ कर रहे हैं. 32. ए कॉपर वायर बेंड इन द सेम ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस आर ट्रांसलेट विद वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी वी. ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर. देखो क्वेश्चन 32, ये एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है, ये एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है और इसको वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट किया जा रहा है, इसको वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट किया जा रहा है. ट्रांसलेट मतलब क्या होता है? कि बिना घुमाए हुए बस ऐसे चलाया जा रहा है. तो दो तरह से चलाया गया है. पहला बात, इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स, यानी इसको इस तरह से चलाया गया है,
द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स, समझ रहे हो ना, डायमीटर के परपेंडिकुलर है। और दूसरे केस में कहा है कि इसी रॉड को ऐसे चलाया गया है, ऐसे चलाया गया है, द वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, द वेलोसिटी इज पैरेलल टू दिस डायमीटर। इस केस में ईएमएफ कितना आएगा इंड्यूस्ड, कितना, जीरो। क्यों जीरो, हमको शेप से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है लाइन ज्वाइनिंग, इस पूरे रॉड को, इस कर्ड रॉड को स्ट्रेट रॉड बना दो तो वो स्ट्रेट, वी और बी, वी और एल क्या हो गया, पैरेलल गया। यहां क्या होगा, इसको बना दो स्ट्रेट रॉड, क्या बनेगा, ये बनेगा ना यहां से यहां, तो क्या लिखोगे, वी बी टू आर होगा ना, हो गया 32, 33। ए वायर ऑफ लेंथ टेंसर ट्रांसेंड डायरेक्शन में एक्सीडिंग इट्स लेंथ, 33। ए वायर, उसका कुछ लेंथ है और वो अपनी, वो इस तरह से चल रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ दिस ट्रांसलेट विथ इतना विथ इस लेंथ, ये एंगल थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, वायर की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, स्पीड भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, निकाल लोगे? यस सर, यस सर। 34, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों 98 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हम जितना पढ़ाए हैं अभी तुमको अगर एक लाइन से बताएं, अभी हम उसको फिर सीक्वेंस मिलेंगे तो अप टू 62, 62 तक सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 63 एक क्वेश्चन है, 64 के बाद फिर सब एक टॉपिक में निकल जाते हैं। देख लो 34, ए कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर ट्रांसलेट्स इन इस प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इनफाइनाइट फील्ड इज इन दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा ठीक है, देखो 34, ये कॉपर का रिंग है, ये क्या है, कॉपर रिंग है, और ये इस वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, ए कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर, ए कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस क्या दी हुई है, आर, ए कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर, ए कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर ट्रांसलेट्स इन इट्स प्लेन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द स्पेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, कंसीडर डिफरेंट पेयर्स ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। अब अलग अलग पेयर बनाए गए हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के, ठीक, बिटवीन विच पेयर द ईएमएफ इज मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम किस, किन दो पॉइंट के बीच में होगा, इन दो पॉइंट के बीच में होगा, क्या ईएमएफ पी और क्यू के बीच होगा मैक्सिमम, होगा, यस सर, क्या ईएमएफ सी और ए और बी के बीच में होगा, जीरो होगा, यही तो पूछा है, बिटवीन विच पेयर ऑफ पॉइंट्स इज द ईएमएफ मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वी बी टू आर, वी बी एल, एल कितना हो गया 2R, तो हमको लेंथ रहना है V और B दोनों के परपेंडिकुलर, बिटवीन विच पेयर ईएमएफ इज मिनिमम, ए और बी, व्हाट इज दिस मिनिमम वैल्यू, जीरो, खत्म, खत्म। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है जी, द फिगर शो, अच्छा इसको अभी छोड़ दो, खैर कर सकते हैं इसको अभी छोड़ दो, उसमें आ रहा है, कम टू क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51, ए बाइसाइकिल रेस्टिंग ऑन इट्स स्टैंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड रियर व्हील रोटेटेड एट एंगुलर वेलोसिटी दिस, द लेंथ ऑफ ईच स्पोक इज दिस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एंड इफ इंड्यूस बिटवीन आउटर एंड सेंट्रीपेटल फोर्स नेगलिजिबल सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो एक साइकिल का व्हील है और ये इसके स्पोक्स हैं, एक साइकिल का व्हील है और ये इसके स्पोक्स हैं, ठीक है, एक साइकिल का व्हील है और ये इसके स्पोक्स हैं और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से,
इसको तुम इसके अबाउट क्या कर रहे हो, ओमेगा से घुमा रहे हो। साइकिल का पीछे वाला पहिया होता है उसको उठा लो, या जो डबल स्टैंडर्स पे खड़ा कर दो और साइकिल स्टार्ट कर दो, साइकिल का पैडलिंग स्टार्ट कर दो, तो ये पीछे घूमेगा इस तरह से, ये इस तरह से घूम रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, उसका कारण अर्थ है, वो हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक में बीएच कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी, तो क्या पूछा है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस एंड द आउटर स्पोक, आउटर एंड ऑफ द स्पोक, इस पॉइंट ओ और इस पॉइंट पी में ईएमएफ निकालना है, निकाल लोगे? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। अगला क्वेश्चन 52, ये था 51। ए कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर विद अ स्मॉल बट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, ए यूनिफॉर्म डिविएशन, फाइंड द ओरिजिनल वेव बिटवीन सेंटर एंड पेरिफेरी। देखो ये डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रहा है, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बी, यहां और यहां में क्या निकालो, ईएमएफ निकालो, यहां ओ और पी के बीच में ईएमएफ निकालो, पता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू बन गया ना। हो गया 53, बता देते हैं, वैसे 53 में लिए नहीं है, 53 का भी हम पूरा लेंगे एनालिसिस। तुम्हारा ये घूम रहा था, 53 में देखो क्या है, 53 में दिया हुआ है ये इस तरह से घूम रहा है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्क है और ये जो डिस्क है ये सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। पहले इसको बैटरी बना दो, पहले इसको बैटरी बना दो, बैटरी बनाओगे पहले ये बताओ ओ ज्यादा पोटेंशियल होगा कि पी ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां हो, यहां एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिया है इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये चार्ज इस तरह से जा रहा होगा, इस चार्ज की वेलोसिटी ये रही होगी, तो क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, बताओ वी इधर बी इनसाइड, वी क्रॉस बी क्या होगा, वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगा हुआ इस तरह से लगा है ना, तो ये तुम्हारा एक बैटरी बन जाएगा जिसका नेगेटिव प्लेट होगा पेरिफेरी पे और पॉजिटिव चार्जेस सेंटर पे जमा होंगे, इसका ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू होगा ना। अब क्या किया है, एक तार लिया है, एक वायर, ये घूम रहा है, ये डिस्क इस तरह से घूम रहा है, ये डिस्क इस तरह से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, एक वायर लिया इस तरह से, एक वायर को सेंटर से बांध दिया, एक वायर को यहां से बांध दिया और इन दोनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, मतलब हवा में, समझो हवा में ऐसे ऐसे और यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे करके हवा में यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो पूछा है, यानी तुमने पी को और ओ को क्या किया, तुमने ओ और पी को क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, कितना करंट फ्लो करेगा, क्या दिक्कत है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय आर होगा ना। पूछा कितना करंट, ये बार बैटरी बन गया तो करंट अपने आप निकल जाएगा, जैसे तुम्हारे दो पॉइंट का बैटरी बन गया उस दो पॉइंट में तुम जब भी रेजिस्टेंस लगाओगे तो बस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस वही करंट होता है, करंट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि कितना करंट फ्लो करेगा, ये पूछा है, और दूसरा पूछा है ये सेंटर पे, ये करंट जो है वो सेंटर पे एंटर करेगा कि सेंटर से लीव करेगा, तो ये बताओ यहां जो करंट है वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा ना, तो इसका मतलब है कि सर्किट के बाहर जो ये वायर लगा हुआ है, जो ये वायर लगा हुआ, इसमें क्या होगा बताओ, यहां से निकलेगा, ओ से निकलेगा और पी पे एंटर करेगा, करेगा ना, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, सो देखो डज इट एंटर द डिस्क और लीव द डिस्क एट द सेंटर, करंट लीव्स द डिस्क फ्रॉम द सेंटर एंड एंटर्स एट पॉइंट पी, डिस्क में वो पी पॉइंट पे एंटर करेगा और ओ से लीव करेगा, यही पूछा है, कर सकते हैं।
बल्कि सब कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन सब जो देख रहे 54, 55, 56 हम सब कर सकते हैं, अभी के अभी अभी हम जितना पढ़ चुके हैं, लेकिन हम करेंगे। जैसे चलो देखते हैं अभी उस अभी, लेकिन वो नहीं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ये जो है समझते हैं कि अब देखो, अभी तक हमने ट्रांसलेशनल लिया था, रोटेशनल लिया, अब दोनों ले लेते हैं, कंबाइंड ले लेते हैं, हम कंबाइंड ले लेते हैं। एससी और हमें कंबाइंड के क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो देखो अगर तुमको स्क्रीन लिए थोड़ा सा रोटेशनल के कंसेप्ट चाहिए होंगे, इसलिए तुमको थोड़ा सा रोटेशनल के कंसेप्ट चाहिए होंगे, बट कर सकते हो। अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है तो, अगर इफ बॉडी इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, देखो मान लो एक रॉड तुमसे कहा गया इस तरह से है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v नॉट है और ये जो वेलोसिटी है ओमेगा नॉट है, ये इसकी टोटल लेंथ है, ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, यहां मैग्नेटिक फील्ड है b, बताना है P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या P और O के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी क्या होगा, ठीक है। तुम्हारे पास यहां इसका दो मेथड है, तुम्हारे पास यहां इसका दो मेथड है। पहला है कि तुम इसको क्या करो कि कंबाइंड मोशन को, इसका एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हर कंबाइंड मोशन किसी न किसी एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल होता है, अगर तुम वो निकाल लो तो क्वेश्चन बन जाएगा, वो जानते हो, नाम सुना है उसका, यस सर, ठीक। तो एक तो वो तरीका, दूसरा तरीका ये है कि क्या करो, इसको दो मोशन का सुपर इंपोजिशन मान लो, कौन कौन सा, एक प्योरली ट्रांसलेशनल, एक मान लो प्योरली ट्रांसलेशनल, विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी एक तो तुमने क्या मान लिया, इसमें हर पॉइंट की स्पीड v नॉट है, ट्रांसलेशनल का मतलब होता है हर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर सेम होना, एक तो ट्रांसलेशनल है और दूसरा सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दो, एक एक्सिस बनाओ सेंटर ऑफ मास के थ्रू, उसके और सिर्फ इसको घूमने दो, किससे, ओमेगा से, एक कर लो ट्रांसलेशनल और एक कर लो रोटेशनल, एक कर लो ट्रांसलेशनल और एक कर लो प्योरली रोटेशनल, प्योरली रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है ना, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल कर लो, दोनों कर लो। अब देखो जो इसके कारण होगा, जिसके कारण होगा, दोनों सुपर इंपोज हो जाएगा, मान लो इसके कारण आ रहा है 10 वोल्ट ज्यादा और इसके कारण आ रहा है 4 वोल्ट ज्यादा, तो नेट हो जाएगा 14 वोल्ट ज्यादा, और इसके कारण आ रहा है 10 वोल्ट ज्यादा, इसके कारण आ रहा है 6 वोल्ट कम, तो 10 और माइनस 6 हो जाएगा 4 वोल्ट ज्यादा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब तुम यहां लिखते हो इंटीग्रल ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ये करते हो तुम ईएमएफ निकालने के लिए, और वी जो होता है वो दो वेलोसिटी का वेक्टर सम होता है, ये दो वेलोसिटी का वेक्टर सम होता है, ये होता है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल क्रॉस बी डॉट डीएल, यानी ये जब इसका ब्रैकेट खुलेगा ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा वी ट्रांसलेशनल क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा बताओ, v ट्रांसलेशनल
क्रॉस बी डॉट डीएल और ये हो जाएगा वी रोटेशनल क्रॉस बी डॉट डीएल। ये क्या है? ये है ईएमएफ ड्यू टू ओनली ट्रांसलेशनल पार्ट, ये ईएमएफ ड्यू टू ओनली रोटेशनल पार्ट। ऐसा कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसकी वजह से वीपी माइनस वीक्यू, इसकी वजह से वीपी माइनस वीक्यू कितना है? अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल होता तो वीपी माइनस वीक्यू होता बी वी एल, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर प्योरली रोटेशनल होता तब तुम जानते हो वीपी माइनस वीक्यू कितना होता? जीरो होता, होता ना। क्यों? ये तुम क्या लिखते हो? ये लिखते हो तुम बी ओमेगा, इन जनरल किसी दो पॉइंट में निकाल लो बी ओमेगा आर टू स्क्वायर बी ओमेगा बाय टू आर पी स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, यही ना। ये तो आ गया जीरो क्योंकि पी और क्यू इक्वी डिस्टेंस। अब दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, दिस प्लस दिस, तो वीपी माइनस वीक्यू का नेट वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बी वी नॉट एल, दिस प्लस दिस, दिस प्लस जीरो, दिस प्लस जीरो। जैसे अगर तुमसे हम ये पूछे इस केस में, क्या पूछे? और तुमसे हम ये पूछे पी और ओ के बीच में क्या होगा, तो ड्यू टू ट्रांसलेशनल वीपी माइनस वीओ क्या होता? बताओ ड्यू टू ट्रांसलेशनल, सिर्फ ट्रांसलेशनल में वीपी माइनस वी होता वी बी एल बाय टू होता, क्यों? ये रॉड है, ये सिंपल एक एल बाय टू लेंथ का रॉड है जो ट्रांसलेट कर रहा है, तो वीपी माइनस वीओ होता वी बी एल बाय टू। अब यहां देखो जब ये रोटेट कर रहा है तब बताओ पी और ओ में, पी और ओ में मैग्नीट्यूड क्या होगा? वीपी माइनस वीओ इन मैग्नीट्यूड, वीपी माइनस वीओ इन मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा बी ओमेगा एल बाय टू इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, बी ओमेगा बाय टू इंटू एल बाय टू का। यहां बताओ प्लस या माइनस? अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये चार्ज क्यू इस तरह से मूव करता क्यू वी क्रॉस बी, तो प्लस यहां ना। अगर ये इस तरह से घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी यहां बैठा एक चार्ज कैसे घूम रहा था? इस तरह से घूम रहा था, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो क्यू वी क्रॉस बी, बी जो है भीतर है, क्यू वी क्रॉस बी तो वी क्रॉस बी ऊपर होता था, प्लस यहां होता, ये प्लस साइन के साथ होगा, होगा ना। तो वीपी माइनस वीओ का नेट वैल्यू आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय एट, ये टर्म प्लस वी नॉट बी एल बाय टू, ठीक है। अगर ये वी नॉट राइट है और ये ओमेगा दिया होता कैसे? उल्टा, अगर वी नॉट देते राइट और ये जो है ओमेगा देते एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो वही आता, और ये जब करते तुम एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता? v इस डायरेक्शन में, b v क्रॉस b, पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां, इसके कारण पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां, बट इसके कारण क्या होता अगर ये इस तरह से घूमता क्लॉकवाइज नहीं घूमता, अगर इसको घुमाते एंटी क्लॉक, ये होता माइनस ये होता प्लस, तो एक के कारण ये ज्यादा पोटेंशियल पे, एक के कारण ये कम पोटेंशियल पे, ये माइनस साइन के साथ आता, यहां ये माइनस आता, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा ले सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारा ले सकते हैं,
और हम इनोवेशन में जाएंगे। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ टाइप्स है। ये एक ये कंडक्टिंग डिस्क है। क्या है? ये कंडक्टिंग डिस्क है। इस पॉइंट की स्पीड है v, सेंटर मास की स्पीड है v नॉट, सेंटर मास की स्पीड है v नॉट, और इसकी एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाय और 2v0 बाय r। ठीक है ना, 2v0 बाय r। समझ गए? रोटेशन तो लोग पढ़ाए थे कभी, शायद कुछ लोगों को पढ़ाए थे ना। यस सर। अच्छा, ये वी नॉट पर हमको बताना है बॉटम मोस्ट पॉइंट या सेंटर या बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लो। चलो बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा। इस ये पॉइंट ओ है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ ट्रांसलेशनल लेते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी, इसका हर पॉइंट इक्वल वेलोसिटी से इक्वल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रांसलेशनल मतलब ये मोशन होता है, इस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, इस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कोई रोटेशन नहीं, सिर्फ चलना। तो इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी वी ही होती है। तो पहला केस तो ये हो गया कि ये हो गया प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, दूसरा है प्योरली रोटेशनल मोशन। दूसरा है प्योरली रोटेशनल मोशन। इस ये एक्सिस फिक्स्ड है, ये फिक्स जो है एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये स्पिन कर रहा है ऐसे, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है। तो पहले बताओ हमको यहां और यहां का निकालना है, नहीं तो यहां और यहां फिर से वही होगा, रोटेशनल का खत्म ही हो जाएगा। छोड़ दो, एक काम करो, हम क्या करते हैं, हम पी और क्यू का नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं कि मान लो हम ये निकाल रहे हैं कि यहां से डिस्टेंस आर बाई टू पे, यहां से डिस्टेंस एक पॉइंट है पी बॉटम में और ये एक पॉइंट क्यू है जो यहां से डिस्टेंस आर बाई टू पे, हमको इन दोनों में निकालना है। तो पहले ये देखो, यहां पॉइंट क्यू है मिड पॉइंट पे आर बाई टू पे और यहां पॉइंट पी है। सबसे पहले अगर हम इस कंडक्टिंग पाथ को देखें, अब इस कंडक्टिंग पाथ को देखें तो ये बताओ वी क्यू माइनस वी पी, ये वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, ये एक रॉड है जो वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है वी नॉट है, इस रॉड की वेलोसिटी वी नॉट है। तो क्यू वी भी ना वी बी एल वी बी एल वी बी एल, वी की जगह क्या डालोगे वी नॉट, बी की जगह क्या दोगे बी, एल की जगह क्या दोगे बताओ, ये डिस्टेंस आर और ये है आर बाय टू, कितना हो जाएगा 3r/2। ऊपर या नीचे कौन ज्यादा पे, तो देखो फील्ड यहां इस डायरेक्शन में है, मान लो फील्ड यहां इस डायरेक्शन में है क्यू वी, तो ये जो वेलोसिटी, ये जो क्यू था, जब इस डायरेक्शन में से वेलोसिटी दोगे इसका फोर्स क्या ले आया, क्यू वी क्रॉस बी ऊपर ले आया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया होगा, नेगेटिव यहां आया होगा, सही है ना। ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन निकल गया, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन निकल गया कि क्यू ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। अब आओ ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन इस सेंटर से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है आर, और इस पॉइंट की दूरी कितनी है आर बाय टू, इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर बाय टू, तो यहां पे जो वी पी माइनस वी क्यू निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी ओमेगा बाय टू इन मैग्नीट्यूड। हम पहले लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, बाद में साइन देख लेंगे, वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू बी ओ जो है ओमेगा बाय टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर बाय टू का स्क्वायर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3/8 बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा ना।
हाँ, 3/8 बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब साइन पे आओ, अब साइन पे आओ, सॉरी ये घूम रहा था उल्टा, इस तरह से घूम रहा है। अब ये बताओ यहां जो कोई चार्ज होगा क्यू, जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे? ये वेलोसिटी इस तरह, देखो एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से, ये जो चार्ज क्यू होगा इसकी वेलोसिटी रोटेशन के कारण क्या होती है, राइट। तो क्यू वी क्रॉस बी किधर ले जाए, ऊपर। क्यू वी, ये है वी, क्यू वी क्रॉस बी ले जाए ऊपर। तो यहां पर ये प्लस होगा, यहां ये माइनस होगा, यहां ये प्लस होगा, यहां भी ये माइनस होगा, यानी ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे है, समझो ये ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो ये बताओ वीपी कम पोटेंशियल पे होगा कि क्यू, पी और क्यू में कौन सा कम पोटेंशियल पे होगा? बताओ, सेंटर का पोटेंशियल, देखो यहां से यहां रॉड लोगे, यहां से यहां रॉड लोगे, तो इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाएंगे और नेगेटिव यहां रहेंगे। इस रॉड को लोगे, इसके भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाएंगे, नेगेटिव यहां रहेंगे, बट दूरी इसकी ज्यादा है, इसलिए अगर ये जीरो पोटेंशियल पर है, ये माइनस वी पर है, ये थोड़ा माइनस वी से थोड़ा कम पे होगा। मतलब कहने का है यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है नेगेटिव साइन के साथ, तो वीपी कम पोटेंशियल पे था, ये माइनस साइन के साथ आएगा। क्यों माइनस साइन के साथ आएगा, देखो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये यहां से ज्यादा पोटेंशियल होता, ये यहां से, मान लो ये जीरो पे है, ये माइनस टेन पे है, ये माइनस फाइव पर है, ये जीरो पर है, ये माइनस टेन पे, ये माइनस फाइव पे, कौन कम पोटेंशियल पे है, पी कम पोटेंशियल पे है, माइनस साइन है। अब क्या करना है, नेट, अच्छा यहां हम वी क्यू निकाले थे ना, हाँ ठीक है, यहां हम क्या निकाले थे, वी क्यू माइनस वीपी, नहीं, हाँ ठीक तो है, वी क्यू माइनस वीपी सही है, और यहां क्या निकाल रहे हैं, यहां भी निकालते हैं वी क्यू माइनस वीपी, कितना हो जाएगा 3/8 बी ओमेगा आर स्क्वायर, सही है ना, सही है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड कर दो, वी क्यू माइनस वीपी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस वी क्यू माइनस वीपी ड्यू टू रोटेशनल इज इक्वल टू वी नॉट बी 3R/2 प्लस 3/8 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा इक्वल टू, तुम डाल दो, ओमेगा तुमको दिया हुआ है, ओमेगा तुमको दिया हुआ है, तुम प्लेस कर दोगे ओमेगा, सब आर के टर्म में चलाएगा, वी भी आर के टर्म में चलाएगा, तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इस पे हम बहुत कुछ करा सकते हैं, बट हमने तुमको रोटेशनल नहीं करा है, तो हम ऐसा नहीं है कि रोटेशनल में सीधे आई ओ आर निकालेंगे और कर देंगे, तो वो चीज थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, बाद में देखेंगे, सिलेबस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम और चीजें करा देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है, आज हम सारे ईएमएफ वाले केसेस ही ले लेते हैं, आज सारे ईएमएफ वाले केसेस बता देते हैं। देखो अगर क्वेश्चन इस तरह से है, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, करंट कितना है आई, और यहां से किसी डिस्टेंस पे तुम एक कंडक्टिंग रॉड को मूव करा रहे हो, तुम एक कंडक्टिंग रॉड को इस तरह से मूव करा रहे हो, ये कंडक्टिंग रॉड है और अभी इसकी वेलोसिटी v है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इसकी लेंथ l, तो बताओ इसके अक्रॉस p और q के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, तो क्या करोगे, इस इनफाइनिटली लॉन्ग वायर के वजह से तुम यहां फील्ड जानते हो, ये इनफाइनिटली लॉन्ग वायर यहां एक फील्ड क्रिएट किया होगा,
इस पॉइंट पे, अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर ये डिस्टेंस एक्स है, अगर ये डिस्टेंस एक्स है, यहाँ फील्ड कितना होगा बताओ? इस इनफाइनिटली लॉन्ग वायर की वजह से यहां फील्ड क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, सही है? इस फील्ड में ये रॉड मूव कर रहा है। अब ये बताओ, हालांकि ये फील्ड यहां पर अलग है, हालांकि ये फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यहां इस फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है और यहां इस फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस में मूव करोगे, जैसे जैसे तुम एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे, फील्ड कमजोर हो रहा है। बट क्या इस पूरे इस डीएल क्या इन सब पे फील्ड सेम है? है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है वो इस एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है, इन सारे पे सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे पे ये इतना है, तो ये बन जाएगा देखो इस तरह से VBL का मतलब है V हो गया V, B हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, L हो गया L, और इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। क्यों? यहां देखो V इधर, B इधर, V क्रॉस B ऊपर, V क्रॉस B ऊपर, तो ये बन जाएगा एक बैटरी। इस अगर तुम इसको मूव कराओगे तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, अगर तुम इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराओगे, समझो, और तुम इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराओगे, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसका ईएमएफ घटेगा। यस सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना दूर जाएगा उतना ईएमएफ जो है कमजोर रहेगा। क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा इसको कैसे चलाएं, इसकी वेलोसिटी को कैसे वेरी कराएं, इसकी वेलोसिटी को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे जैसे ये दूर जाएगा ये फील्ड कमजोर होगा, तो हम स्पीड को मजबूत करना चाहते हैं ताकि कंपनसेट हो जाए, और हम चाहते हैं कि इसकी ईएमएफ हर जगह सेम आए, तो बताओ इसकी वेलोसिटी को किस फंक्शन में वेरी करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि इसकी ईएमएफ यहां और यहां और यहां सब जगह सेम आए, हर डिस्टेंस पे इसकी ईएमएफ सेम आए, अगर हम ये कहना चाहते हैं, तो बताओ हमको वेलोसिटी को किस फंक्शन में वेरी करना चाहिए ताकि एक्स कुछ भी हो ईएमएफ सेम आए? प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स, वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर यहां पे हो जाए वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन सब होता है। दूसरा, मान लो ऐसे करके है, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, एससी वर्मा पेज नंबर 310 क्वेश्चन नंबर, एससी वर्मा पेज नंबर 310 क्वेश्चन नंबर 55, हम क्वेश्चन 55 बना रहे हैं, पेज 310 क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है कि ये एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कितनी है आई, करंट कितनी है इसमें आई, और यहां पर आप एक रॉड को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वी नॉट कांस्टेंट है, इसका ईएमएफ कितना होगा? ठीक, तो क्या करेंगे अब यहां पर क्या होगा? देखो अगर हम यहां से, अगर यहां से किसी डिस्टेंस कहां जाते हैं, अगर हम यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पर जाते हैं, और यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पर जाते हैं, और फिर छोटा सा डिस्टेंस कट करते हैं, कितना डीएक्स, हम ये एक्स और डीएक्स के बीच में एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, इसकी वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, यहां फील्ड कितना है इस लोकेशन पे, क्योंकि फील्ड तो वेरिएबल है, बट इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट पे फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, है ना? सही है, ये बैटरी बनेगा, ये छोटा सा बैटरी बनेगा, ये छोटा सा बैटरी बनेगा, इसका ईएमएफ होगा डीई इज इक्वल टू वीबीएल, फॉर्मूला होता है वीबीएल, फॉर्मूला होता है वीबीएल, वी की जगह वी स्पीड तो दिया हुआ है, बी की जगह म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स,
और लेंथ की जगह डीएक्स। अब जरा इसका पोलैरिटी बता दो, प्लस चार्ज लेफ्ट गया होगा कि राइट गया होगा ये बता दो। तो ये चार्ज अगर क्यू है और वेलोसिटी वी से जा रहा था तो क्यू वी क्रॉस वी लेफ्ट गया होगा। अगर यहां चार्ज होता, इसके भीतर बैठा चार्ज वी स्पीड से अगर इस तरह जा रहा था, क्यू वी क्रॉस वी लेफ्ट की तरफ होता, ये तुम्हारा एक बैटरी बनेगा इस तरह से, ये तुम्हारा एक बैटरी बनेगा डी इस तरह से। जैसे जैसे तुम दूर जाओगे बैटरी कमजोर होते जाएगा, समझो यहां जो बैटरी होगा उससे थोड़ा कमजोर बैटरी यहां होगा और उससे थोड़ा मजबूत बैटरी यहां होगा। क्यों होगा? जितना पास होगा एक्स, देखो जितना पास होगा एक्स, सॉरी ये एक्स होगा, जितना नजदीक होगा एक्स उतना फील्ड स्ट्रांग है, जितना नजदीक रहोगे फील्ड उतना स्ट्रांग है, फील्ड उतना स्ट्रांग है, वेलोसिटी सेम है, डीएक्स सेम है, वेलोसिटी सेम है सबका, डीएक्स सेम है, इस तरह से होगा। अगर तुमको पता करना है इसका टोटल ईएमएफ क्या होगा, इन सब ईएमएफ को जोड़ना पड़ेगा, तो ईएमएफ हो जाएगा टोटल इंटीग्रल ऑफ डी, जो कि आएगा वी नॉट म्यू नॉट आई बाय टू पाई, वी नॉट म्यू नॉट आई बाय टू पाई इंटीग्रल ऑफ डीएक्स बाय एक्स। कहां से कहां तक? अगर ये डिस्टेंस मान लो आर है और इसकी लेंथ एल है, मान लो ये डिस्टेंस आर है और ये लेंथ एल है, ये डिस्टेंस आर है ये लेंथ एल है, तो कहां से कहां लेके जाओगे? पहला एलिमेंट कट करोगे यहां पर, दूसरा यहां, तीसरा यहां, कहां यहां तक, यहां से स्टार्ट किए कंडक्टर का डीएल कट करना यहां तक गए, तो आर से लेके आर प्लस एल तक जाओगे ना,